हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। हमारा आज का लेक्चर है प्रोटन एज। प्रोटन एज का टाइम पीरियड है 1649 से 1660 तक। इस एज में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटन एज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन, और नंबर थर्ड पर हम पढ़ेंगे लिटरेचर ऑफ प्रोटन एज। अब सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटन एज। When Charles died, his family were out of England. जब चार्ल्स वन जो कैरोलिन एज का बादशाह कैरोलिन एज में किंग था वो मर गया, तो उस वक्त उसकी जो फैमिली थी वो इंग्लैंड से बाहर थी एंड इन अदर कंट्री और दूसरे मुल्क में थी। दैट्स वाई प्योटन बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड। इस वजह से प्योटन को इंग्लैंड का किंग बना दिया गया। बिकॉज दे आर क्लोजर टू प्रोटेस्टेंट, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट के बहुत नज़दीक थे, इस वजह से इनको इंग्लैंड का किंग बना दिया गया। दैट्स वाई दिस एज इज़ कॉल्ड प्योटन एज। इस वजह से इसको प्योटन एज भी कहते हैं, इस वजह से इसको प्योटन एज कहते हैं, ठीक है। नंबर दिस एज इज आल्सो कॉल्ड कॉमनवेल्थ पीरियड, इस एज को कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं। एंड आल्सो कॉल्ड मिल्टन एज, इस एज को मिल्टन एज भी, क्योंकि मिल्टन ने इस एज में बहुत ज़्यादा काम किया है, इस वजह से इसको मिल्टन एज भी कहते हैं। उसके बाद आती है बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। ही वॉज द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश रिनेसेंस। ये जो लास्ट ग्रेट पोएट था इंग्लिश रिनेसेंस का, जिनके लास्ट बहुत ज़्यादा अजीम ग्रेट पोएट था। गॉट एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन हासिल की थी। कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन इन 1632, इसने अपनी एजुकेशन 1632 में कंप्लीट की थी। हिज फेमस पोएम वाज ऑन द मॉर्निंग ऑफ थ्रस्ट इज नेटिविटी, ये इसकी फेमस पोएम है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ थ्रस्ट इज नेटिविटी। ही रोट दिस पोएम इन 1629, दैट टाइम ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। इसने ये पोएम 1629 में लिखी, जिस टाइम ये 21 साल का था। इसके बाद आता है वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो काम किए वो, जॉन मिल्टन के चार काम हैं जो कि उसने इटालियन लैंग्वेज में किए हैं। एलर्गो, पेंसिरोसो, कॉमस, लेसिडस, ये क्या, दीज आर द इटालियन वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन एंड पब्लिश इन दिस एज, ये क्या इटालियन वर्क्स है जॉन मिल्टन के जो कि इस एज में पब्लिश हुए थे। और उसके बाद आता है एपिक पोएम्स में, इसने एपिक पोएम में बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा। एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, इट्स एपिक पोएम एंड रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये क्या एक एपिक पोएम में जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इट्स पब्लिश फर्स्ट टाइम इन 1667, ये पहली दफ़ा 1667 में यानी कि 1667 में पब्लिश हुई, और नंबर टू पर एंड पब्लिश सेकेंड टाइम और दूसरी मरतबा 1674 में, यानी कि ये रेस्टोरेशन एज में पब्लिश हुई है पैराडाइज लॉस्ट, ये इसकी फेमस एपिक पोएम है। उसके बाद आता है नंबर टू पर पैराडाइज रीगेंड, इट्स ऑल्सो एपिक पोएम एंड रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये क्या है, ये भी एक एपिक पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी है एंड इट्स पब्लिश्ड इन 1671, ये भी यानी कि 1671 उसमें रेस्टोरेशन एज में पब्लिश की गई है। उसके बाद आता है सैमसन एगोनिस्ट, इट्स अ पोएम विच मीन हाउ ह्यूमैनिटी ऑट टू बी, ये क्या एक पोएम है जिसका माना है कि इंसानियत किस तरह होनी चाहिए। इसके बाद आता है लिटरेचर ऑफ प्योटन एज। लिटरेचर में सबसे पहले आता है ड्रामा डाउनफॉल, इस एज में ड्रामा डाउनफॉल हो गया था, ड्रामा बिल्कुल नीचे चला गया, इस एज में ड्रामे पर काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। प्ले हाउस क्लोज, जो कि ड्रामा के प्ले हाउस थे, थिएटर थे, वो क्या क्लोज किए गए थे, ये क्या पार्लियामेंट एक्ट था, पार्लियामेंट एक्ट था कि ड्रामा हाउस या प्ले हाउस को क्लोज किया जाए। उसके बाद नंबर टू पर आता है प्रोस, प्रोस सोशल प्लस पॉलिटिकल प्रोस को मिलाकर लिखा जाता था। नंबर टू पर साइंस प्लस फिलोसफिकल प्रोस को मिलाकर लिखा जाता था। साइंस प्लस रिलीजियस प्रोस थे, कॉलोनियल प्रोस लिखे जाते थे इस एज में। थॉमस ब्राउन इज़ द फेमस प्रोस राइटर ऑफ दिस एज, थॉमस ब्राउन है वो इस एज का फेमस प्रोस राइटर है एंड हिज फेमस प्रोस आर मेंशन्ड बिलो, इसके जो फेमस प्रोस हैं वो नीचे मेंशन किए गए हैं। रिलीजियो मेडिक्ट, सूडो डोक्सिया, हाइड्रोटेफिया। इसके बाद नंबर थर्ड पर आते हैं नावल, द मैन इन द मून बाय फ्रांसिस
फ्रांसिस गुडविन इज द फेमस नावल ऑफ दिस सेज। इस सेज में नावल पर भी काम हुआ है, द मैन इन द मून, जो कि फ्रांसिस गुडविन ने लिखा था। ये एक फेमस नावल है इस एज का। इसके बाद आता है पोइट्री। पोइट्री चार किस्म की, इस एज में चार किस्म की पोइट्री लिखी जाती थी। नंबर वन, मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी जाती थी, रिलीजियस पोइट्री लिखी जाती थी जो कि रिलीजन के मुताबिक होती थी, कोर्टेसी पोइट्री यानी कि पोइट्री रिटन ऑन कोर्ट, वो पोइट्री जो कि कोर्ट पर लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, कोर्टेसी पोइट्री, वो पोइट्री भी इस एज में लिखी जाती थी। कैवेलियर पोइट्री भी इस एज में लिखी जाती थी। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।